म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा स्पॉटिफाई ने ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो भी जल्दी ही शामिल करने का ऐलान किया है। इस ऑफर में अमरीकी नेशनल पब्लिक रेडियो और बीबीसी के न्यूज बुलेटिन शामिल होंगे। 6 साल तक व्हाइट हाउस ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आखिरकार ट्विटर ज्वाइन कर लिया है। अपने प्रोफाइल में उन्होंने खुद को पिता, पति और अमरीका का 44वां राष्ट्रपति बताया है, लेकिन राष्ट्रपति के संक्षिप्त नाम वाले इस यूजर नेम पर अब भी आधिकारिक निगरानी बनी रहेगी। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे रोबोट साथ मिलकर काम कर सके और आपस में संवाद कर सके। शोधकर्ताओं का कहना है कि मल्टीपल रोबोट्स की ताकत चींटियों की तरह संख्या पर आधारित होती है। उन्हें उम्मीद है कि इन रोबोट्स से पर्यावरण की मॉनिटरिंग और प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत और बचाव संबंधी सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी।